आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है। एक और रात की प्रार्थना में एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह ने सभी को संभाल कर रखा, जीवित रखा, सुरक्षित रखा मेरे प्रियजनों, इसके लिए यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह महान है, दयालु है, वो करुणानिधि है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। मेरे प्रियजनों यीशु मसीह हम सभी से बहुत प्रेम करता है। यीशु मसीह ने जो हम सभी को रात दिखाई है, सुबह दिखाई है, रात दिखाई है, अच्छी सी मीठी सी रात दिखाई है, इसके लिए यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे मेरे प्रियजनों। कितने मनुष्य होंगे, न जाति लोग होंगे पिता, वे मर गए होंगे, वे नरक में चले गए होंगे, इसके लिए यीशु मसीह का धन्यवाद दीजिए। यीशु मसीह हम सभी को सुरक्षित रखा है, जीवित रखता है मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह महान है, दयालु है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। मेरे प्रियजनों यदि आप बीमार हैं, यदि आप नहीं ठीक हो रहे हैं, यदि आप तमाम इलाज करा चुके हैं, यदि आप हॉस्पिटल में एडमिट है, आप जहीं कहाँ कहीं पर भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज आपको इस प्रार्थना को पूरा सुनना है, लास्ट तक सुनना, लास्ट में अमीन बोलकर रिसीव करना है। यीशु मसीह आपकी बीमारियों को चंगा करेगा, आपकी दुखों को जीव का त्यू करने जा रहा है परमेश्वर। यीशु मसीह आपके जीवन में मिराकल करेगा, यीशु मसीह आपके जीवन में बदलाव करेगा, वो चेंजिंग लाएगा। पवित्र आत्मा छू ले हर एक जन को मेरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा। मेरे प्रियजनों यदि आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, यदि आप किसी बात को लेकर, तो आज मेरे प्रियजनों आज आपको जिंदा यहोवा जुलाह और परमेश्वर से बताना है। आज आपको किसी इंसान से नहीं बताना, किसी मनुष्य से बताने की आवश्यकता नहीं है, आज आपको यीशु मसीह से बताना है। आज आपको घुटने टेक के अपने घुटने के बल आना है और यीशु मसीह के सामने घुटने टेक के बैठ जाना है और प्रभु से बोल देना है और यीशु मसीह हमारी गरीबी को, तंगी को, परेशानी को, बीमारियों को जीव का त्यू कर देगा मेरे प्रियजनों। ठीक है, वह सर्वशक्तिमान अल्फा ओमेगा आदरंत है। उसके लिए ऐसा कोई कार्य नहीं जो उससे नहीं हो सकता है। असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियजनों। ठीक है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है मेरे प्रियजनों। मेरे भाइयों और बहनों, यदि आपकी शादी नहीं हो रही, यदि आप शादी को लेकर चिंतित हैं, टेंशन है, डिप्रेशन में चले गए हैं, तो आज आपको यीशु मसीह से बताना है और प्रभु से बोलना है। जो मेरे जीवन में हर रुकावट के बंधन हैं, हर एक शैतान की ओर से बंधन है, वो यीशु मसीह के नाम से टूट जाएँ, वो यीशु मसीह के नाम से टूट जाएँ। अपने मुँह से आपको पश्चाताप करना, अपने मुँह से अंगीकार करना है, उस शैतान को, दुष्ट को डांटना, अपने जीवन से भगाना है और यीशु मसीह के नाम से वो शैतान गंदी बदुरी चाले, यीशु मसीह के नाम से वे निकल जाएंगी, वे उखड़ कर कौसो दूर खदेड़ी जाएंगी, फेंक दी जाएंगी आपके सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियजन, बस आपको यीशु मसीह से बताना है, बस हम सभी को प्रभु के योग्य कार्य करना है। यीशु मसीह ने कहा, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो इस पेड़ से या इस पहाड़ से कह देगा, उखड़ कर उस स्थान पर चला जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। यह यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह हमारी बीमारियों को जीव का त्यू कर देगा। आज रात यीशु मसीह हमारे जीवन में बदलाव लाएगा, हमारी गरीबी को, तंगी को, परेशानी को आज यीशु मसीह दूर करेगा, हमारी गरीबी को दूर करेगा परमेश्वर। वो आशीष देगा, वो खुशहाली देगा, वो बरकत देगा यीशु मसीह। बस अपने मुँह से बोलना, यीशु मसीह से पश्चाताप करना है। मेरे प्रियजनों, यदि आप पाप में हैं, जो भी हम सभी से पाप गलती गुनाह हुआ है, तो आज आपको यीशु मसीह से बताना है। यीशु मसीह हमारे पापों को, गुनाहों को हिमकिनाई श्वेत कर देगा, उजला कर देगा, बर्फ की तरह व्हाइट कर देगा, श्वेत कर देगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह के पास अधिकार है कि वही हम सभी के पापों को, धर्मों को, गुनाहों को क्षमा कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ वही एक निष्पाप परमेश्वर है मेरे प्रियजनों, जिसके द्वारा हम सभी के पाप क्षमा हो सकते हैं, जो हम सभी के पापों को क्षमा कर सकता है। उसका लहू पवित्र है मेरे प्रियजनों, वह पवित्र है, उसका शब्द भी पवित्र है, जहाँ पर यीशु मसीह रहता है वह जगह भी पवित्र है मेरे प्रियजनों, वह जगह पवित्र है, वह सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे मेरे प्रियजनों। आज हम सभी को यीशु मसीह के सामने घुटने टेक के बैठने की आवश्यकताएं हैं और अपने पापों को यीशु मसीह के सामने मानना है, उन्हें छोड़ना, पश्चाताप करना है। यीशु मसीह हमारे पापों को हिमकिनाए उजला करेगा, श्वेत करेगा मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा है, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है जो तुम्हारा उद्धार न कर सके, वह ऐसा बहरा नहीं हो गया जो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन न सके, परंतु तुम्हारे धर्मों को कामों ने ही तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया। मेरे प्रियजनों, जो हम सभी के पाप हैं, पापों के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ संबंध टूट जाता है, पाप के द्वारा हमारा पिता प्रार्थना को नहीं सुनता है, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है और हर एक जन को यीशु मसीह के पास आने वालों को पवित्र बनने की आवश्यकताएं हैं, विश्वास करने की आवश्यकताएं हैं। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, दयालु है, राजाओं का राजा। यीशु मसीह ने कहा है,
मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ तुम्हारी क्या आवश्यकताएँ क्या जरूरतें हैं। पिता हम सभी के मांगने से पहले जानता है, वह सर्वशक्तिमान है, अल्पमेगा है, वह ज्योति है, यीशु मसीह जगत की ज्योति है, उसी के द्वारा हमारा सभी का उद्धार हुआ, उसी के द्वारा हम सभी को अनंत काल का जीवन मिला है, वह अल्पमेगा दो अंत है मेरे प्रियजनों। ठीक है, प्रार्थना शुरू करने से पहले हम कुछ वचन से देखते हैं, तब प्रार्थना को आगे हम शुरू करेंगे। ठीक है मेरे प्रियजनों, भजन संहिता 32 अध्याय के 1-3 वचन में लिखा हुआ है, क्या ही धन है वह पुरुष जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। मेरे प्रियजनों, क्या ही धन है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियाँ पिघल गई। मेरे प्रियजनों, जो भी हम सभी से पाप गलती गुनाह हुए, इस मसीह से मानना है, पश्चाताप करना है इस मसीह के सामने। ठीक है, धन्य है वह मनुष्य जिसका लेखा यीशु मसीह ना ले, जिसके पापों का। मेरे प्रियजनों, ठीक है, तो हम चले प्राणों को शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। मेरे प्रभु, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं की राजा हैं, आप प्रभु के परम। मेरे स्वामी, जो आपने मेरे प्रभु हम सभी को जीवतों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, मेरे प्रभु इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यस हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता, कितने मनुष्य होंगे, अन्य जाति लोग होंगे प्रभु, ये मर गए होंगे पिता, वे कैसे स्थान पे चले गए होंगे प्रभु, जहाँ की आग नहीं बुझती, जहाँ के किले कभी नहीं मरते। यीशु पापा, जो आपने मेरे पिता हम सभी को जीवित रखा है पिता, हर एक दिन दिखाया, हर एक शाम सुबह दिखाते हैं प्रभु, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, जो आपने नाम लेके बुलाया है मेरे प्रभु, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, मेरे प्रभु, जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जानते फिर भी नहीं मानते यीशु पापा, वे मर गए होंगे पिता, वे कैसे स्थान पे चले गए होंगे प्रभु, जहाँ का धुआं युगानुग उठता रहता है, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं। मेरे स्वामी यीशु पापा, जो आपने हम सभी का नाम लेके बुलाया है, आपने हम सभी को माता के गर्भ से ही चुना है प्रभु, आपने कहा मैं तुझे अंगूठी की तरह संभाल के रखूंगा पिता, आपने कहा यीशु पापा, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। यस हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। मेरे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी हुजूरी को, आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं मसीह प्रभु। पिता, जो इस वक्त इस प्राणों को सुन रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ सुन रहे हैं प्रभु, लास्ट में अमीन बोलकर रसीब करें। मेरे स्वामी, मेरे पिता, जो मसीह भाई बहन बीमार हैं, जो बेड पर पड़े हैं, जो आखिरी सांस ले रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर, जिन कानों तले आवाज़ जा रही है पिता, जो पूरे विश्वास के साथ आँखें बंद किए इस प्राणों को सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, वे मसीह भाई बहन चंगी हो जाए पिता। जिनके शरीर में कैंसर, गलटियाँ, रसौलियाँ, हर नाना प्रकार की बीमारियों में लिप्त हैं, और भी आघातक जानलेवा हमला करने वाली बीमारियाँ पिता हैं इनके जीवन में, इनके शरीर में, यीशु मसीह के नाम से वे बीमारियाँ ठीक हो जाएँ, वे बीमारियाँ निकलें इनके जीवन से, मुँह खोल चिल्ला और निकल यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता, हर एक जनों को छू लीजिए, टच मी होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जी, टच मी होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जी, हर एक जनों को छू लीजिए, ब्लेस कर दीजिए, यू टच मी पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता, जो हॉस्पिटलों में एडमिट है पिता, जिन कानों तले ये आवाज़ पहुँच रही पिता, वे बेड छोड़कर बैठ जाए यीशु मसीह के नाम से, वे चंगे हो जाए, उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से बदलाव आने पाए, वो आज़ादी आने पाए, वो शिफा मांग लेते हैं, वो आज़ादी मांग लेते हैं, हीलिंग मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम से। 24 आवर्स पवित्र आत्मा आप छू लीजिए, यू टच मी पवित्र आत्मा जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवादेशु, 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 धन्यवादेशु। पवित्र, 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, अल्फा ओमेगा अदुरांत हैं। मेरे पिता, मेरे प्रभु, आपके ना कोई तुल्य हुआ और ना कोई उपाय गा इस जगत में। मेरे पिता, पिता, मुर्दों को जिलाने लिए, अंधों को दृष्टि देने लिए, कोढ़ी पाजों को शुद्ध करने लिए यहोवा जिला रहे यीशु पापा, वो आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते हैं। मेरे स्वामी, मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, मसीह भाई बहनों के लिए पिता, जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, जो घुटने टेक के बैठे पिता, जो आपसे कुछ मांग नहीं प्रभु, आप इन्हें दीजिए यीशु राजा पिता। मेरे प्रभु, आप इनके हृदय मनों को जांचने लें परमेश्वर पिता, हम सभी को क्या चाहिए, क्या इच्छाएं, क्या जरूरतें यीशु पापा, आप जानते हैं मेरे प्रभु,
आप हर एक जनों को मेरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी छू ले प्रभु, छू ले मेरे स्वामी। जितने लोग आपकी हुजूरी में आपकी उपस्थिति में बैठे पवित्र आत्मा जी छू ले मेरे स्वामी, छू ले सुरजा वो दधुक्ति समर्थ उंडेल दे प्रभु, उंडेल दे सामर्थ्य मसीह के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर पिता जो लंगड़े नहीं चल पाते, जो बाहरी नहीं सुन पाते, जो अंधे नहीं देख पाते पिता, उनके जीवन में अद्भुत मिराकल कीजिए प्रभु। वे अंधे देख नहीं पाए, लंगड़े चल नहीं पाए, कोढ़ी पाक साफ किए जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं की राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आपसे नाव की यहोवा हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु ऐसा कोई कार्य नहीं जो आपसे नहीं हो सकता है मेरे प्रभु, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है प्रभु आपसे हो सकता है पिता। असंभव को संभव करने लगे यहोवा जुलावर यीशु पापा, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार करते, आपकी उपस्थिति को, आपकी हुजूरी को, आपकी सामर्थ को, आपकी ब्लेसिंग को मांग लेते यीशु राजा। मेरे पिता प्रार्थना करते हैं जो गरीब है प्रभु, जो लाचार है पिता, पिता ये जो कमाने लिए नहीं मेरे स्वामी पिता, इनके हाथ आप कमाने लिए बनाइए मेरे स्वामी पिता। ये अपनी बेइज्जती अपने हाथों से न करने पाए यीशु पापा पिता, सबको छोड़ छाड़ के मेरे प्रभु आपके पीछे हैं मेरे पिता। आप इनका जीवन संभालिए, आप इनकी जीवन शैली को बदल दीजिए पिता। इनके जीवन ने इनके जीवन में वो लाइफ मांग लेते हैं, वो इनके जीवन में लाइफ में चेंजिंग आने पाए, वो बदलाव आने पाए, वो बदलाव आने पाए, बरकत आने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। आशीष के दरवाजे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ढूंढते हैं, खटखटाते हैं यीशु पापा। इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए, प्रियो के लिए मेरे प्रभु, मेरे पिता इनकी गरीबी को दूर करे प्रभु, इनकी तंगी परेशानी को दूर करे मेरे पिता। मेरे प्रभु सबको छोड़ छाड़ के मेरे प्रभु आपके पीछे आए मेरे पिता। आप इनका जीवन संभालिए प्रभु, आप इनकी जीवन शैली को बदल के रख दीजिए प्रभु। इनके जीवन में बहुत बड़ा मिराकल होने पाए, इनके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आपसे नाव का यहोवा, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया है, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं प्रभु आपके नाम से मेरे पिता। मेरे प्रभु ये बहुत ही जातियों को धार देने बनने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे पिता हम प्रार्थना करते जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, उन बहनों के लिए प्रार्थना करते पिता, जिन बहनों के बच्चे नहीं थे मेरे स्वामी यीशु मसीह के नाम से पिता, उन बहनों के संतानें होने पाए, उन्हें बच्चे दीजिए प्रभु। जिस प्रकार से मेरे पिता अपने सारा को बच्चे दिए थे उम्र में मेरे पिता, उसी तरह से पिता इन बहनों को बच्चे दीजिए, जिन बहनों को पिता चाहिए यीशु मसीह के नाम से। क्या प्रॉब्लम से, क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं है पिता हम नहीं जानते प्रभु, हृदय मनोज को जांचने का अधिकार यीशु प्रभु आपको दिया गया पिता। आप इनके जीवन शैली को बदल दीजिए पिता, आप इनके जीवन में चेंजिंग कीजिए, बदलाव कीजिए, जो चाहिए प्रभु आप जानते हैं, आप इन्हें दीजिए। यस हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 मेरे प्रभु, जिस प्रकार से यीशु पिता पवित्र हैं प्रभु, उसी प्रकार से मेरे पिता हम सभी को भी पवित्र बनाइए पिता, ताकि आपके सामने खड़े होने के योग्य बन सके, आपके राज्य में जाने के लायक बन सके प्रभु। जहाँ पर आप रहते हैं प्रभु वह जगह पवित्र है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे मेरे प्रभु। मेरे पिता हम सभी को भी पवित्र बनाइए पिता। मेरे प्रभु जो भी हम सभी मसीह भाई बहनों से पाप गलती गुनाह हुए मेरे पिता, जानबूझ के अनजाने में मेरे पिता, अब माफ करे, क्षमा करे पिता। मेरे प्रभु आप अपने लहू से शुद्ध करे मेरे पिता, हम प्रार्थना करते पिता। मेरे प्रभु जिनके घरों में दुष्ट आत्मा, गंदी आत्माएं, बदरूही चाले दुष्ट आत्माएं इनके जीवन में हस्तक्षेप करती प्रभु, लड़ाई झगड़ा डालती है पिता, पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़ा डालती है यीशु मसीह के नाम से। वो लड़ाई झगड़ा निकल जाए, वे गंदी आत्माएं निकल जाएं, वे गंदी बदरूही चाले दुष्ट आत्माएं गंदी चाले यीशु मसीह के नाम से वे निकल जाए पिता। हर एक कराधरा के बंधन टूट जाए, हर एक जादू टोना के बंधन टूट जाए। हालेलुया। होली गोस्ट फॉर यीशु मसीह के नाम से, होली गोस्ट फॉर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे पिता प्रार्थना करते जो मसीह भाई रात में नहीं सो पाते, जिन्हें डर लगता, भय लगता, गंदे सपने ख्याल विचारते प्रभु, जब लेटे हुए तब सुख की नींद आने पाए मेरे पिता। कोई गंदा, कोई दुष्ट आत्मा, कोई बदरूचाल के जीवन में हस्तक्षेप न करने पाए इनके जीवन में मेरे पिता, इन्हें भरमाने ना पाए मेरे प्रभु। मेरे पिता आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तू सुख की नींद आएगी, अचानक आने लगे भविष्य न डरने मेरे प्रभु। आपने ऐसा वचन में कहा पिता, मुझे आशा है, विश्वास है यीशु पिता आपने प्राणों को सुना है, छोटे से भी तू उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा। आमीन।